सो वेलकम बैक टू गेम प्ले वीडियो भाई स्वागत है आप सभी का रेंच लेटर की एक और ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में तुम लोग सोच रहे हो मैंने इस तरह फेस क्यों कर रखा है वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि यार ये देखो भाई लिटरली जो नया अपडेट आया यार उससे हमारा पूरा का पूरा रेंज भर चुका है भाई पेड़ों से हमने जितने ही पेड़ हटाए थे भाई सारे फुल हो चुके हैं यहाँ पे और यार इनको फिर से हटाने में काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है भाई यार देखो तुम लोग क्या ही हालत हो चुके है भाई अपने रेंज की मतलब पूरा फुल ऑन पेड़ ही पेड़ भर गए यार यहाँ पे और लास्ट वीडियो में तुमने देखा था यार हमने अपना जो अपार्टमेंट था वो इतना बिल्ड कर लिया था

भाई इसकी वीडियो आएगी और उसके लिए तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ऑलमोस्ट यहाँ तक, तक मतलब इसके ऊपर एक दो और तीन तीन फ्लोर्स इसके ऊपर आने वाले काफी ज्यादा मजा आएगा इसको बनाने में बस उसके लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो फिफ्टी हिट होते ही हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे एंड वो जितना जल्दी होगा उतना बढ़िया है तो फटाफट

ऐसे दोनों दोनों कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे तो अब इसके लिए हम लोग सामान ले आते हैं चल के एंड पे भी चेक कर लेंगे हमारे जो प्रोडक्शन हाउस उसके लिए हमें क्या क्या सामान कितना कितने का आने वाला है तो उस हिसाब से हम वो भी लेके आ जाएंगे तो यहाँ तुम लोग यहाँ पे देख सकते तो यार हमें लग रहा है 50 concrete, खर्चा होने वाला यार आज गाइस लिटरली काफी तो खर्चा होने वाला है यार और मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना यहाँ पे जितने भी पार्क है ना हमारे भाई ये सारे सेल करके आने पड़ेंगे क्योंकि काफी ज्यादा खर्चा हमारा होने वाला है कोई नहीं यार चेक करते हैं फटाफट चलते हैं सीधा हम लोग टाइम वेस्ट बिना अपनी जो कार है कार उठाते हैं और अपनी कार का और यार हाँ मेरे को एक बार फैक्ट्री भी चेक करनी है यार अपनी फैक्ट्री में भाई पेड़ उग गए बहुत सारे भाई अपने घर में भी भाई हेलो भाई लिटरली गाइस क्या चल रही है ये देखो भाई अपनी फैक्ट्री के बीच भाई फैक्ट्री कैसा लग रहा है भाई कितने सालों से बंद पड़ी थी और भाई तुमने तुम देखियो भाई जोरास एक पार्क देखियोगे उस के अंदर जैसे लुक आता है ना भाई सेम जोरासिक पार्क वाला लुक आ रहा है और तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता देना भाई मैं कोई वाला पेट हटाना चाहिए रहें दू अंदर काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है मेरे को तो ये छोटे छोटे तो हटा दूंगा पर यार जो ये है ना सेंटर वाला ये यार बहुत बढ़िया लग रहा है सेंटर में रखा हो तो ये तुम बता देना इसको रखना है हटा देना है और ये भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है दोनों पार्टीशन में ना ये सेंटर सेंटर वाले मैं सोच रहा हूँ रख लूंगा बाकी तुम बता देना क्या करना चाहिए यार इनका और मेटल हमारे पास है भाई है मेटल हमारे पास फिफ्टी भाई हंड्रेड मेटल तो भाई हमारे पास पहले से रखे चलो भाई बहुत तगड़ी बात होगी यार ये तो हमें ज्यादा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार रेंच हमारा फिर से भर गया और घर भी देखते भाई घर में बहुत बुरी हालत हो गई है यार ओ भाई छोटे छोटे पेड़ भाई हर जगह <laughs> भाई अपनी सीढ़िया भी भर गई यार फुल छोटे 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 कितने सारे पेड़ आ गए भाई लिटरली यार हद है यार भाई इनको सारे को हटाने भाई फिर से काफी टाइम जाने वाला है हमारा कोई नहीं आ रहा तो ऑफलाइन बैठ के मैं सारे के सारे हटा दूंगा तुम लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं फिलहाल ही और अंदर भी मेटल रखा हुआ यार हेलो कितना भाई कितना मेटल पड़ा है हमारे पास अभी यार यार इन मेटल को मैं फटाफट से यहाँ पे लगा देता हूँ और फिर जितना बचेगा ना वो हम लेने चल देंगे और ये कुछ नया पेड़ आया शायद यार लास्ट टाइम तो नहीं था यार ये वाला पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया शायद होगा हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो तो फटोफट चलते हैं यार अब इसको जो जितने भी हमारे पास हैं ना यार यहाँ पे अवेलेबल उन सबको पहले लगा देते हैं तो ये पे यहाँ पे लग गया एंड मैं अपनी कार उठा लेता हूँ क्योंकि यार कार में एक बार में दोनों को दोनों आ देंगे टाइम कम हमारा वेस्ट होगा तो फटोफट से अपनी कार उठाता तो हूँ यहाँ से एंड देन फिर चेक करेंगे यार अपने को कितने ज्यादा लेके आने वाले फिर तो काफी काम यार हमारा हल्का हो जाएगा क्योंकि हमारे पास हंड्रेड तो ऑलरेडी है एंड उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ फोर्टी लेके आने पड़ेंगे हमारे विंड मिल के लिए और भाई यार स्पीडोमीटर देखो यार नीचे कितना ज्यादा अमेजिंग लग रहा है यार ये चीज़ ने बड़ी अच्छी कर दी है स्पीडोमीटर एड कर दिया और फ्यूल वाला बारा बढ़िया तो लग रहा है पिछली बार से तो हॉस्पिटल में तो तो कर कर एक चीज बताना चाहता हूँ भाई मैं यहाँ पे जी टी फाइव की मेहनत कर रहा हूँ और वो वीडियो होप करते हैं कल तक आ जाए और भाई काफी ज्यादा मेहनत लगी उस वीडियो पे लिटरली बहुत ज्यादा मेहनत लगी है अपना सपोर्ट दिखाना यार काफी ज्यादा उसको जितना हो सके यार उतना और जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया जब वीडियो आउट होगी और काफी ज्यादा मेहनत लगी उस वीडियो को बनाने में तो तुम लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो और अपना एंड और बताना जरूर यार जी टी की तुम्हें वीडियो कैसी लगी तो या बताना बिल्कुल यार तुम्हारा रिव्यू बहुत मैटर करता है तो उसको जल्दी से बता देना तुम लोग कैसी लगी तुम्हें तो यार मैंने गलती से आगे वाले में लगा दिया एक तो यहाँ पे हमें फिफ्टी कॉन्क्रीट लाने हैं एंड वन हम लोग यहाँ पे मेटल ले आएंगे तो वन काफी रहेंगे दोनों में आराम से लग जाएगा तो इसे मैं बता रहे यार अपने रिव्यू यार तुम लोग बता देना कि तुम्हें जी टी वाली वीडियो कैसी लगी एंड या भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट जाके तुम्हें वीडियो चाहिए जी टी वाली तो हमें यार टेन के हिट करना है भाई इस वीक के जो नेक्स्ट वीक आएगी ना अपनी उस नेक्स्ट वीक के एंड तक टेन के हो जाते तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया बात है यार तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कहाँ से आएंगे यार तो इसलिए कह रहा हूँ फटाफट जाके इसलिए कह रहा हैं फटाफट जाकर चैनल रहा सब्सक्राइब कर देना तो यार अरे भाई क्या भाग गया तो निकल जाएगी साइड से ठुक गया तो रोड से ना चले तो चलते यार यहाँ से फटाफट से हार्डवेयर स्टोर पर अपने और मैं प्राइस चेक कर लूँ क्या एक बार एक मिनट यार अपने प्राइस भी चेक कर लेते हैं हम ए बन यहाँ पे चलते हैं भाई डेयर पड़े यार यहाँ पे मैंने इनको अब तक स्किन नहीं करा इतना टाइम हो गया यार कोई स्किन कर देंगे यार आने वाले टाइम में ठीक है ना तो फटाफट से यहाँ पे आ गए हम भाई यार ये एक तो पहले थे ना कितने बढ़िया पहले इनके कार पार निकल सकते थे हम ठुकते नहीं थे बिल्कुल भी तो वो काफी ज़्यादा बढ़िया था तो मैं कार को यार यहीं पार कर देता हूँ अंदर जाने का को कोई फायदा है अपने तो कोई दिक्कत नहीं है हम से लोग चलते हैं यहाँ से फटाफट से हम लेके आ जाते हैं कॉन्क्रीट हमें चाहिए फिफ्टी एंड मेटल हम चाहिए यहाँ पे वन हंड्रेड एंड फिफ्टी चाहिए हम लोगों को तो वो लेते हैं हम लोग चल के यार क्या बकवास है भाई चलो चलो सीधी हो गई बिना किसी के सीधी हो गई यार तो बढ़िया बात है चलो <laughs> और क्या चाहिए यार अपने को तो अभी यहाँ चलते हैं अंदर और आ जाओ भाई सीधा यार सीधा के हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे उतारते तो हैं हमारी कार को मतलब पार्क कर देता है कार तो यार कार को क्या उतारूंगा और यहाँ पे आके चेक करते हैं हम लोग हेलो एक तो यहाँ पे हमें लेने हैं फिफ्टी का फिफ्टी बैग्स कंक्रीट के एंड एक के अंदर आई थिंक टेन आते हैं तो यहाँ से यार मैं क्या सोच रहा हूँ मैं ना सिर्फ दो ही ले चलता हूँ इसमें फिफ्टी फिफ्टी? इस तो फिफ्टी का तो हो गया यार। हमारा एक फिफ्टी आते हैं so. तो एंड ती, उसके बाद अपने को यार चीज वीज बनाने का जो सेटअप है ना उसके लिए हम को चाहिए यार एक, एक ले चलेंगे हम दोनों हम ये वाली भी और बाकी कॉम्पैक्ट कुकर हम ले चलते हैं जितने पैसे हमारे पास है उतने के तो इतने के कॉम्पैक्ट भाई नॉइस खरीद सकते हैं फिलहाल हम इनको चेक करता हूँ मैं और अब हैं हमारे पास काफी पैसे हैं अभी फिलहाल के लिए तो कॉम्पैक्ट तो कुकर भी मैं खरीद लेता हूँ दो कॉम्पैक्ट तो कु और बाकी यार मैं घर जाके जितने सेल कर दूंगा उसके बाद काफी पैसे हो जाएंगे बाकी भी और चीज खरीद लूंगा भाई क्योंकि अब यार हमें रुकना नहीं है सीरियसली अब हमें रुकना नहीं है अब हम एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे वाली प्रोडक्शन करनी है फिर हमको यार लिटरली एक बार में हम लोग पांच पांच सौ चीज बनाएंगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है यार वीडियो में चलते देखो यार फिफ्टी आ जाते हैं एक अंदर फिफ्टी के का होता है क्योंकि ये और इसके ऊपर रख सकते हैं कि यार ये वाली तो चेक कर लेते हाँ तो ये रखी जा रही है बहुत बढ़िया बात है ये तो इसको भी रख देता हूँ फटाफट से इसके ऊपर ही एंड कॉम्पैक्ट कुकर भाई इनको रख देते हो यार हमने पैन भी नहीं खरीदे अभी तो हमें पैन भी लेने पड़ेंगे मैं तो भूल गया था पैन भी यूज होते हैं हमारे कोई नहीं पैन भी, भी खरीद लूंगा जब अपने सॉसेज लेने आऊंगा ना मैं यहाँ पे सॉसेज की और मशीन लेने आऊंगा जब मैं पैन भी खरीद लूंगा यहाँ पे साथ ही साथ तो इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ फटाफट से और इसको भी इसके ऊपर ही रख देते हैं हम लोग ताकि आराम से हाँ देखो आराम से आगे बिना किसी दिक्कत के तो यार सारे सारे सामान यहाँ पे रख दिया फटाफट से लेकर चलता हूँ इसको अपने रेंच पे एंड फिर

ये सिलेंडर्स गैस गैस संचालन छोड़ो तो मैं इनको फटाफट से लेके चलता हूँ और ले लेकर लगा देते हैं अपनी फैक्ट्री के अंदर एंड देन फिर यार अंदर के पेड़ वेड़ भी थोड़े बहुत हमें हटाने पड़ेंगे तो ऑलरेडी गैस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से कमेंट पिक कर लेते हैं आप में से एक ने भाई का देखना यार कौन लक विनर हमारे यहाँ पे होने वाला है तुम लोगों ने यार वन के लाइक कंप्लीट करा दिया उस वाली वीडियो पर तो यार अब फटाफट से मैं पर यू टे कमेंट पे कर देता हूँ एंड तुम्हें जिसका भी यार लकी विनर आने वाला है उसका कमेंट हम पिक कर लेते हैं फटाफट से तो यार ये वेबसाइट तो मेरे कुछ खास लग नहीं रही है बेकार लग रही है तो दूसरी वाली भी चलते हैं थोड़ा एक बार नीचे स्क्रॉल करके अब ये वाली मेरे को थोड़ा फिर भी सही लग रही है तो यहाँ पे हम लोग फटाफट अपनी वीडियो का यू आर एल पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे भाई देखो कोई फिल्टर नहीं है बिल्कुल जेन है आपके सामने सब कुछ हो रहा है और मैं फटाफट यहाँ पर गेट यूट्यूब कमेंट्स कर देता हूँ और यहाँ पे आने वाले यहाँ देखो टोटल जितने भी कमेंट होने वाले होंगे सारे सारे यहाँ पे आ जाएंगे अपने सामने और देखो यहाँ पर टोटल थ्री एट्टी वन नहीं और लोड हो रहे हैं अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे हमारे पास टोटल थ्री नाइटी सेवन कमेंट्स आ चुके हैं फिल्टर हो गए जिस भी भाई ने हमारे यहाँ पे दो या तीन कमेंट करे होंगे वो सारे हट गए होंगे सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही कमेंट यहाँ पे शो करेगा और देख सकते हो जैसे कि कोई भी फिल्टर मैंने नहीं यहाँ नहीं लगा रखा तो यहाँ पे सीधा हम पिक विनर कर देते हैं और पहला आ गया हमारे यहाँ पे दिव्य जोशी तो भाई दो वीडियो अपलोड करो नो इश्यू ऑफ टाइम तो ब्रो आपको यहाँ पर अपना नेम भी मैंशन करना होता है जो कि मैंने वीडियो में बताया था भाई अपना नेम भी मैंशन कर देना कमेंट में नेक्स्ट आता है हमारे अनिश तिवारी भाई आपने भी नेम मेंशन नहीं करा सॉरी फॉर देट अब नेक्स्ट चलता है भाई हमारा नेक्स्ट विनर आ चुका है यहाँ पे इन ने अपना नेम मेंशन करें ब्रो मेरा नाम लिखो एंड आगे भाई का नेम है तो यार आप भी जानना चाहते हो कि भाई किसका नेम है तो फटाफट जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट वीडियो आने वाली में मैं आपका नेम यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपने रेंच पर और जो भी भाई इंटरेस्टेड है भाई किसका नेम आया किसका नेम आया तो भाई उसके लिए तो उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा फटाफट जाकर जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड आने वाली वीडियो में मैं डायरेक्ट आप लोगों का यहाँ पे नेम बिल्ड करने वाला हूँ अपने रेंज पे और उसके लिए तुम लोग कमेंट सेक्शन में जाकर बता देना लोकेशन के मेरे वो कहाँ पे बिल्ड करना चाहिए तो या चलते हैं फटाफट सब सीधा गेम पे पहुंच गए बिल्कुल गेट पे लगाते हुए तो था कि उठा के जाने में इजी हो अपने को आराम से और इसको यहाँ पे जितने पेड़ है मैं इन पेड़ को हटाता हूँ पहले तुम्हें इन पेड़ को हटाओ यहाँ से यार ये पेड़ बहुत बेकार लग रहे हैं इस पेड़ को भी उड़ाओ यहाँ से अब हट जाए यार क्यों दिमाग खराब कर रहा है इतना इस पेड़ को भी उड़ाओ यहाँ से इस पेड़ को भी हटा दिया हमने एंड फिर ये छोटे वाले भी हटाओ सारे ये यार बहुत बेकार कर दिया यार इनने पेड़ नहीं डालने चाहिए थे यार कितने ज़्यादा मेहनत बढ़ा दी भाई लिटरली एक चीज़ देखो सही हो गई कि हम लोग बिल्ड वगैरह करेंगे तो पेड़ काफी ज़्यादा हो गए तो पेड़ की कमी नहीं होने वाली वो चीज़ देखो मान सकता हूँ उस पर उस प्रस्पेक्टिव से सही था, था अब बट यार हमें नहीं नीचे यार पैसे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं वैसे ही हमारे काम वगैरह करके तो हम लोग खरीद के लिए आते हैं प्लैक्स को यार इतनी ज़्यादा बकवास करने की क्या जरूरत थी अभी इसमें देखो मेहनत हमारी गई लिटरली डबल हो चुकी है और कुछ फ़ायदा नहीं है जिसका तो कोई नहीं यार अब जो कर दिया तो यार हमें काम तो ही करना ही पड़ेगा ये ये क्यों नहीं हट पा रहा यार एक मिनट में से देखता तो हूँ हाँ यहाँ से हट रहे हैं ना क्या तो इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया है और यार ये देखो यार कितने अजीब से लग रहे हैं भाई ये नीचे से आते हुए भाई हद है यार कितने सा और यार एक बार में भाई इतने ज़्यादा भी हो गए ना यार ये मेरे को लगा थोड़े बहुत भी होंगे तो ठीक है वैसे जब हम लास्ट टाइम आए थे यार इतने ज़्यादा नहीं लग रहे थे अब तो यार कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं यार ये देखने में तो लिटरली भाई बहुत ज़्यादा लग रहे हैं इधर का अंदर की साइड भी आई इसको भी मैं देता हूँ यहाँ से इसको भी उड़ा दिया है बस भाई 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 क्या और हेलो तो ठीक है यार हमने यहाँ पे सारे हटा दिए आई थिंक सो नहीं एक बच के आया इसको बैठा के आता हूँ तो फटाफट से भाई दो बार चॉप मतलब दो बार कट रहे हैं ठीक है यार हमने यहाँ पे हटा दिया अब दो सिर्फ और सिर्फ दो पेड़ बचे यहाँ पे जो कि मेरे को यार अच्छे लग रहे थे देखने में तुम लोग बता देना इनको हटाना चाहिए यार हमें रखना चाहिए क्योंकि यार तो मेरे को यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं तो वो तुम बता देना एक बार तो यार अब प्रोसेसिंग के लिए हम लोग को आना है यहाँ पे एंड एक मशीन हमारी रखी जाएगी यहाँ पे जो कि आएगी ऐसे एंड देन इसी के साथ में दूसरी मशीन जो है अपनी वो यहीं पे आ जाएगी ऊपर ही तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सेटअप बनने वाला है अपना यार यारेगा इस सीरियसली यहाँ पे हम लोग प्रोसेस करेंगे देन वो चीज़ जाएगी पीछे यहाँ पे सूखने के लिए स्टोर होने के लिए देन फिर यहाँ पर प्रोसेस होएगी यहाँ भी प्रोसेस यहाँ भी प्रोसेस ऐसे यहाँ इन सारी टेबल से प्रोसेसिंग होएगी एंड देन फिर वो चली जाएंगी हमारे यहाँ पीछे कबर्स में और यहाँ पे हो जाएंगे वो सारे के सारे प्रोसेस होने मतलब यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे और पूरे के पूरे बनने कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम उन लोगों को सेल करके आ देंगे जाके तो ऐसे ही में यहाँ करने वाला हूँ दो दो अपने जो गैस जो जो भी हमारी सिलेंडर्स हैं इनको मैं दो दो करके रखने वाला हूँ कहते okay, हो एक टेबल पे हम लोग दो दो रख देंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा कंजस्टेड भी नहीं लगेगा ज़्यादा एंड देन फिर बढ़िया भी लगेगा यार ज़्यादा स्पेस नगर नहीं घेरेगा तो काफ़ी ज़्यादा सही लगेगा दो दो हमारे काफ़ी बढ़िया लगेंगे एंड बाकी इसके साइड में भी हम लोग रख देते हैं जाके दो दो और कहीं से तुम लोग बता देना रहे प्रोडक्शन भी कब स्टार्ट करनी चाहिए और भाई अभी तो काफी ज़्यादा कुछ चीज़ें करनी है यार बहुत मज़ा आने वाला है अभी तो हमारी आने वाली सीरीज़ में और भाई जी की वीडियो निकलने वाली है बस तुम लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दो फिर यार जी डी फाइव की वीडियो भी आ जाएगी और उसको भी तुम लोग बताना उस पर यार लोगों को बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए सीरियसली गाइस तुम्हारा उस पर तुम लोग सपोर्ट दिखाना अपना यार पूरा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी जी टी फाइव के फैंस हो मतलब जिनको भी जी डी फाइव पसंद हो तो उनके साथ शेयर कर देना एंड थोड़ा सा यार सोचा है मैंने अलग टाइप का मतलब जो हो सकता है तुम लोगों को पसंद आए तो बाकी वो बता देना तुम लोग कमेंट में एंड अभी यार मेन काम आता है मैं फटाफट से जाता हूँ जितने हमारे पॉक्स हैं ना उन सारे पॉक्स को कलेक्ट करता हूँ एंड देन फिर उनको सेल करके आता हूँ यार और तुम लोग बता देना अगर यार तुम्हें ये चीज़ भी देखनी पसंद हो तो मैं ये चीज़ भी दिखा दे करूँगा पर फिलहाल के लिए तो मैं ये चीज़ को कट कर रहा हूँ क्योंकि का, काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर मैं तुम्हें ये सब दिखाऊंगा तो तो यार मैं फटाफट इन सबको सेल करके आता हूँ फिर तुम लोग को मिलता कहीं यार मैं यहाँ पे आ चुका हूँ देखो कितने सारे पॉक्स के डब्बे लेके और भैया यहाँ पे हमें मिल चुका है वन पॉइंट सेवन एक्स का मल्टीप्लायर पॉक्स पे और भाई इन सारे पॉर्क को मैं यहाँ पे सेल करने वाला हूँ देखते हैं हमें कितने पैसे मिलने वाले भाई साहब यहाँ पे छः हज़ार आठ सौ डॉलर हमें मिल चुके हैं भाई बहुत ज़्यादा तक डी डील थी ये वाली तो मैं सोच रहा हूँ यार बाकी जितने भी हमारे पास डब्बे पड़े हुए हैं यार उन सबको भी ला सेल कर देता हूँ क्योंकि अभी कुछ फायदा है नहीं उनका रखने का अभी हम लोग प्रोडक्शन फैक्ट्री को अपनी पूरी कंप्लीट कर देते हैं और बाद में उन लोगों को बाद में और पिक्स लेंगे तो हमारे तो पास और पैसे जुड़ेंगे तो फिलहाल के लिए मैं 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 मन भी लेके आने वाला हूँ एंड उनको सेल करने वाला हूँ तो फटाफट से उनको यार तो मैं उनको लेकर आया तो सेल कर देता हूँ फिर तुम लोगों को दिखाऊंगा यार हमारे पास कितने ज़्यादा पैसे हो चुके हैं यहाँ पे तो कई मैंने जितने पॉक्स थे अपने सारे सारे मैंने सेल कर दिएगा मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो यार ये देखो मैंने जितने पॉक्स थे भाई सारे सेल कर दिए हैं यहाँ पे भाई ये पता नहीं कैसे बच गया छोड़ो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है और हमारे पास हमें पैसे हो चुके हैं भाई ग्यारह हज़ार डॉलर्स तो यार अब हमें कुछ भी नहीं करना हमें सीधा चलना है अपनी फैक्ट्री पर और लेके आने वाला सामान तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार अपना ट्रक ले चले या ट्रेलर ले ट्रक ले चलते हैं ट्रेलर तो नहीं ट्रक ले चलते हैं हमारा क्योंकि ट्रक हमारे यहीं पर है खड़ा हुआ और मैं एक बार चेक लेता तो हूँ आप फ्यूल कितना है तो फ्यूल भी ले चले हाँ फ्यूल तो काफ़ी है तो हमने ट्रक में फ्यूल डाल लेते हैं हम लोग और इसको भी ले चलते हैं यहाँ से देखो हमारे फ्यूल ख़त्म हो रखा था ट्रक में काफ़ी कम फ्यूल था हमारे पास तो सही है अब हमारे फ्यूल नहीं भर जाएगा और फटाफट से हम लोग मशीन्स वगैरह ले आते चल के तो हमें यहाँ पे छह यार पंद्रह हमें मेटल लेके आना है तो मैं सिर्फ दो मेटल ले आऊँगा टेंटिन वाले तो वो काफ़ी रहेंगे और बाकी हमको लेके आनी है भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशीन्स फिर मशीन्स में हमारा मेन खर्चा होने वाला है तो कोई बात नहीं यार जितना भी खर्चा होगा हम लोग देख लेंगे बिना किसी दिक्कत के बस हमें हमारी जो फैक्ट्री है ना भाई वो कम्प्लीट करनी है एकदम बढ़िया से तो यस यार हम लोग चलते हैं फटाफट से और अपनी मशीन्स वगैरह परचेज़ करके ले आते हैं अपनी फैक्ट्री के लिए भाई पलट ज़्यादा ट्रक अभी बच गया और भाई चलो यहाँ से मोड़ते अपने ट्रक को भाई यार स्पीड मेरे को लग रहा है थोड़ी बहुत तेज़ कर दिया शायद ट्रक की पहले से क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच गया हर हम की बार तो चलो अपने ट्रक को यहीं पे पार कर लेता तो हूँ मैं फिलहाल के लिए तो कि बाद में इसका यूज़ होने वाला है इसके अंदर सामान वगैरह डालेंगे हम लोग और अब चलते हैं फटाफट से अंदर और परचेज़ करते हैं अपना सामान तो यहाँ पे आता हम लोग पांच पैने ले गए थे एंड उसके लिए हमें पांच पैन खरीदने हैं ऊपर से भी पेन हम लोग ले लेंगे दो हमने यहाँ पे ये यह ले लिए हैं एंड पांच पैन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं ठीक है तो अब हमें यहाँ पे और जो चीज़ें खरीदनी है वो यहाँ से हम पर कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच ठीक है तो ये यह मैंने यहाँ पर छः चेकआउट कर दिए छः काफ़ी रहेंगे यहाँ पे हमारे पास तीन सेट ऑफ और बन गया हमारा यहाँ पे और मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट कूकर है ना भाई वो आई थिंक ये क्या हो रहा है भाई तीन ही क्यों आ रहे हैं आ, पता नहीं आ रहा तीन क्यों आ रहे हैं तो मैं इसको तीन को चेकआउट करता हूँ पहले देन उसके बाद तीन पैन को भी चेकआउट करता हूँ यहाँ से तो पेन भाई क्या होगा इनको, इनको इनकी लिमिट क्यों सेट कर दी यार इतनी तीन पेन हमने यहाँ से चेकआउट कर दिए हैं एंड देन फिर एक और बार हम लोग यहाँ से तीन को एमपैक्ट कुकर को चेकआउट करते हैं एंड साथ में तीन हाथों तो देखो ये तीन ले सकते हैं हम लोग साथ में तो इतने हमने परचेज कर दिए हैं यहाँ पे एंड और कुछ करना पड़ेगा क्या मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ से और आई थिंक यार और हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो या बस हमें इतना कुछ चाहिए था और अब लोग हम फटाफट चलते भाई कितना तो सारा सामान आ गया हमारे यहाँ पे बाकी सामान भी हम यार ले लेंगे फिर से ले लेंगे जब भी हमारे पास थोड़ा और फैक्ट्री सेटअप हम जो एक्सपेंड करेंगे ना भाई जब और भी सामान ले लेंगे बिना किसी दिक्कत के पर फ़िलहाल के लिए तो इतना काफ़ी है क्योंकि इतना भी हमारा आई थिंक यूज़ हो ना हो तो वो चीज़ हम लोग चेक कर लेंगे कि भाई इतना भी यूज़ होता नहीं होता और फटाफट चलते हैं यार अंदर हमारे लगा देते हैं जितना भी सामान है सारे सामान को रख देते हैं और भाई यार अभी तो हमें यार अपना बिल्ड वगैरह भी करना तो है तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमारे जो प्रोडक्शन वगैरह करेंगे हम उसमें प्रोडक्शन भाई काफ़ी मज़ा आएगा हमको तो या यार बहुत मज़ा आएगा अभी तो आने वाली वीडियोज़ में तो फटाफट हम सब रख देता हूँ यार हमें अभी काउज़ वगैरह भी लेके आनी है हमें चिकन का कोप भी बिल्ड करना है क्योंकि आज जब तक हम पर अंडे नहीं होंगे यार तो बिना अंडे के हमारा जो प्रॉफिट है भाई वो थोड़ा कम हो जाएगा तो यार उसके लिए हमको यार अपना चिकन कोप भी बिल्ड करना है देन फिर हमें एक नया बान भी बिल्ड करना है जिसके अंदर हम लोग अपनी काउस वगैरह रख सकें तो भाई अभी तो बहुत सारा तगड़ा तगड़ा बिल्ड और बहुत सारे तगड़े तगड़े कंटेंट आने वाले हैं तो इसलिए फटवर्स में सबको पहले रख देता हूँ अंदर एंड देन फिर सबको रखने के बाद मैं रेंज पहुँचता हूँ सीधा फिर तुम्हें दिखाता लिखाता हूँ ठीक है तो ऑलरेडी सारे जीतने सामान था यार हटे भाई ठोके आते हैं तो गाइस यार जितना भी सामान था मैं सारा का सारा लेके पहुंच चुका हूं अपने रेंज पे और अब हमें कुछ भी नहीं करना सीधा हमारे ट्रक को ले जाकर लगाने अपने फैक्ट्री के सामने और भाई जितना भी सामान है उन सबको उतारने और मैं यहाँ पे ला के लगा देता हूँ अपने ट्रक को भाई क्या पार्क करेगा इस लिटरली इस पार्किंग को देख के तो भाई इस ड्रिफ्ट को देख के फटाफट से आके लाइक कर दो अगर तुम्हें ड्रिफ्ट पसंद आई होता हूँ बाकी मैं उतारता हूँ फटाफट से और भाई इन सबको उतारते हैं सामान को एंड एक एक करके उतारना शुरू कर देता हूँ अंदर की तरफ तो सबको उतार लेता हूँ एक बार उसके बाद अंदर के अंदर हम लोग रखना स्टार्ट कर देंगे बिना किसी दिक्कत के तो इन सबको तो मैंने आपको उतार लिया को फटाफट से ले जाकर लगा देते हैं इनकी जगह पर और आई थिंक यार इतने तो काफ़ी रहने चाहिए हमारे जो चीज़ का प्रोडक्शन का जो हमारा एरिया है वो तो आई थिंक पूरा हो जाएगा इतना से और नहीं होता तो यार बाद में देख लेंगे हम लोग और भी ले आएंगे अगर कम पड़ेंगे तो बाकी तो अभी तो चेक करते हैं बार ले जा करके काफ़ी ज़्यादा पहले आया था आई नहीं नहीं यार कम पड़ जाएंगे कम पड़ जाएंगे मेरे को लगा हो जाएगा पूरा पर पूरा नहीं हो पाएगा यहाँ पे थोड़े बहुत कम पड़ेंगे ऑलमोस्ट हमारी तीन से चार टेबल जो है वो खाली हो जाएंगी खाली रहेंगी बस तो कोई नहीं है उसको भी हम लोग कर देंगे बाद में पूरा फुल एक दो तीन चार पाँच तो हमारे यहाँ पे टोटल तो पाँच टेबल्स जो है वो फुल हो जाएंगी एंड हमारी जो बचेंगी वो बचेंगी एक दो पाँच ही टेबल हमारी बचेंगी एंड पाँच ही टेबल हमारे यहाँ पे फुल हो गई है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कही जा रही है तो और इन सबको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लेस कर देता हूँ उनकी जगह पे बाकी इनको भी ले आ लगा देता हूँ क्ल करके सब में और चलते हैं आई थिंक यार पैन कम लेके आ गया क्योंकि यार मैंने ध्यान नहीं दिया हमारे जो सॉसेज़ मशीनस हैं यार इसमें भी हमारे को पैन यूज़ होने वाला है पर उस टाइम पे यार हम अपने चीज़ वाला पैन यूज़ कर लेंगे जो हमारी चीज़ फैक्ट्री वाले पैन है उस चीज़ वाले पोर्शन में जाके जो पैन है उसको हम ले आएंगे क्योंकि यार उस टाइम पर चीज़ तो देखो दोनों चीज़ हम एक साथ तो नहीं बना सकते तो इसलिए जब हमारे जब चीज़ वगैरह नहीं बन रहे होंगे जब हम सॉसेज़ वगैरह की प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे होंगे उस टाइम पर मैं सॉसेज़ वाले जो चीज़ वाला पैन वाला एरिया है जो जिसमें पैन वगैरह लगा रखे हैं तो चीज़ वाले एरिया में से मैं पैन निकाल के ले आऊँगा और अपने यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग बिना किसी दिक्कत के तो मैं अभी तो ये बच के यहाँ पे इसको भी लगाता हूँ और अंदर जितने भी सामान बचाया है सबको भी ले आता हूँ उतार के अंदर यार मेरे को लग तो रहा यार ज़्यादा लेकर आया हूँ पैन पर नहीं यार एक दो तीन चार पाँच नहीं यार पूरे हो जाएंगे बस इसके अंदर ही पूरे होने वाले हैं ये तो कोई दिक्कत नहीं है यार इनको तो हम लोग लगा देंगे बाद में पर फटाफट से पहले यार अपनी जो प्रोसेसिंग वाली है ना यार ये इनको फिट कर देता हूँ पहले मैं यहाँ पे और इसको हम लगाने वाले हैं कुछ ऐसे एंड इसके बाद जो अपनी दूसरी वाली मशीन आएगी वो आएगी इसके जस्ट साइड में तो इसको भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे फ्रंट साइड फेसिंग करेंगे यार इसकी हम लोग ताकि थोड़ा इजी रहे काम करने में ना तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया दो मशीन हमारे यहाँ टोटल सेट हो चुकी हैं एंड तीसरी वाली को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे आमने सामने रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी लगी ये तो इसका मैं इस साइड रखते हैं फेस हमारे हम इसका और ठीक है ये वाली हो गई हमारी यहाँ पे एंड एक और आएगी इसके साथ में जो यहाँ पे लग जाएगी वो और इसकी फेसिंग हम लोग रखते हैं फ्रंट में जैसा कि हमने अब तक रखी है अब बाकी दो बच रखे हैं इनको भी हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट फड़ से और भाई फिर कंप्लीट हो जाएगी अपनी फैक्ट्री का सेटअप जो है फिलहाल के लिए और बाकी जब हम इन फ्यूचर जब बजट हमारा बढ़ जाएगा ना कई तो हम लोग इसको भी एक्सपेंड कर देंगे पूरा फुल कर देंगे मशीन से एंड अभी यहाँ पर हमारे ऑलमोस्ट कितनी टेबल्स बच रखे हैं मैं चेक कर लेता हूँ तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे करके रख दिया तो अभी हमारे यहाँ पे यार एक दो तीन चार टेबल टोटल बच गया तो ये चार टेबल भी हम लोग फिल कर देंगे इन फ्यूचर जब हमारे पास बजट आ जाएगा फिलहाल के लिए तो भाई 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 ड्रा दिया और इसने मेरे को लोग क्या कर रहा था भाई यहाँ पे आके <laughs> भाई लिटरली गोस बम दे दिया यार में, भाई, सही में डर गया सा भाई लिटरली डर लिटर आ दिया यार दो एकदम ही और तो एक को यहाँ पर हमने लगा दिया है बाकी को भी मैं इधर ही लगाता हूँ फिलहाल क्योंकि आगे तो काफ़ी ज़्यादा लगा दिया हमने और इसको भी यहाँ पर लगायाता हूँ भाई बारिश शुरू हो गई गई काफ़ी ज़्यादा और ये लास्ट के दो बच रखे हैं इन दोनों को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इधर लगा देता हूँ एक यहाँ पे आ गया ये फिल हो गया यार एक बच रहा है सिर्फ और सिर्फ इस एक को हम लोग लगा देते हैं आगे की साइड में और भाई भाई क्या हो रहा है इसे को हम लोग आगे चीज़ वाले एरिया में लगा देते हैं फिलहाल के लिए तो और ये हो गया पूरा भाई ऐसा कुछ अपना बन चुका है यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप और भाई इन फ्यूचर यार हम इन सबको पूरा का पूरा फुल कर देंगे जैसे हमारा बजट इंक्रीज होता है हमारा और यहाँ पे हमारी बच्चों के एक दो तीन चार टेबल एंड फिफ्थ वाली हो जो हमारी हो, एक बच रहा है उसमें से सिर्फ, सिर्फ जो कुकर कु, कु आना है तो यही भी हमारा फुल कर देंगे और अब जो हमारी बच रही है यार सिर्फ दो ये बच रही है तो इन दोनों को भी हम लोग लगाए थे ले जा करके हमारी जो विंड मिल है उस पर जो ग्रेनरी हमारी ग्रेनरी नहीं विंड मिल पे पर नहीं विंड मिल तो हमारा पूरा होगा स्टोरेज वाला ना वीट का उसमें लगाना है हमको तो उसमें लगाए थे हम लोग जाके अब भाई मैंने ट्रक कहाँ पार्क कर दिया यार थोड़ा ज़्यादा से कहाँ पार्क कर दिया बान के अंदर ही घुस गया था भाई तो इसको हम लोग यहाँ लगा देते हैं तो इसको भी इधर एक लगा दिया दूसरा भी मैं लगा देता हूँ फटाफट से और ये हो गया हमारा गाइज यहाँ पे फिल और अपने फीडर को यार हमें फ़िल करना है टू हंड्रेड डॉलर से तो इसको भी हम लोग फिल कर देंगे तो हमारे पास पैसे फ़िलहाल हैं भाई बहुत पैसे हैं अभी तो हमारे पास तो इसको हम लोग आर से फ़िल कर देते हैं पूरा तो यार दो सौ डॉलर से हमने इसको फ़िल कर दिया है एंड होल ईधर फिल ऑल बाउल्स तो इसको हमने यहाँ पे कर दिया सारे बाउल्स हमारे यहाँ पे फिल हो जाएंगे और पैसे हमारे पास हो चुके हैं यहाँ पे टू थाउजेंड डॉलरस तो एक बार अंदर चल के चेक कर लेते हैं यार अपने खाना वाना आ चुका है फीडर्स में आराम से नहीं आया तो यार ये चीज़ एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर दी ऑटोमेटिक फीडर वाली भाई ये सब बहुत दिक्कत होती है यार हमें खाना वाना डालने में और देखो यार अभी तो नहीं आया यार क्या हो रहा है हेलो भाई खा पानी नहीं आया क्या होगा भाई खाना भी नहीं आया पानी भी नहीं आया क्या दिक्कत है और ये इनकी भाई ये हेलो भाई क्या हो रहा है ना तो खाना आया अब तक ना पानी आया भाई तुम कुछ काम कर भी रहे हो क्या हो रहा है ये भाई लेटरली ले गाइज ना तो पानी आया अब तक ना अब तक खाना आया पता नहीं क्या बग हो रखा है ये इसको भी हम लोग चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और या गाइस आज के वीडियो कहीं बस इतने रखते हैं आपको आप ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर देना लाइक चैनल को देना सब्सक्राइब 550 नहीं 5500 पे हम लोग बिल्ड करेंगे अपना अपार्टमेंट तो या मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में टेल देन टेक केयर एंड बाय बाय